वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में कीमा भरे करेले। ये मैंने 1 किलो करेले ले लिए, फ्रेश है बिल्कुल, और मैंने आधा किलो कीमा ले लिया। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टमाटर, 4 प्याज और लहसुन। ये देखिए, अब हम करेलों को छील लेंगे। कीमे को और लहसुन को एक दफा ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा ही चॉप करेंगे, ज्यादा चॉप नहीं करना आपने इसे, ठीक है। अब इसे चॉप कर लेते हैं। इसको इसी तरह का रहने देना, ज्यादा बारीक नहीं करना। ये देखिए, जो टमाटर थे उसको मैंने चॉप नहीं किया, मैंने उसको काट लिया, और प्याज को भी मैंने काट लिया, चॉप नहीं करना। हरी मिर्चें और धनिया, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें, ये सब कुछ अब कीमे में ऐड होगा और ये करेलों का मसाला रेडी हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं इसमें टमाटर, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और हरी। ये करेले की फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये करेले थे, इसके छिलके हमने उतार लिए हैं और अब हम इस पे नमक लगा रहे हैं। और नमक लगाकर 15 मिनट्स के लिए आप रख दें, फिर ये नरम हो जाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, नमक मिक्स कर लिया था मैंने। अब आपने लेना है, इसको यहां से कट करना है, ठीक है। और इसके अंदर वाला ये होगा कि इजीली ये जो बीज है ये सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने सारा बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें, अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने ऊपर से पहले कैप उतारे थे वो लगा देंगे। देखिए, मैंने करेलों की फिलिंग कर ली है और जो इसका कैप था जो हमने ऊपर से कट किया था वो इसके अंदर लगा दिया। हम 1 प्याली के करीब इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल डालने के बाद ये करेले आपने इसमें रख देने। बिल्कुल स्लो यानी कि लो फ्लेम पर आपने इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना। अगेन 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे ऊपर से कवर नहीं करेंगे और इसको ब्राउन होने देंगे। जब तक ये ब्राउन हो जाते हैं तब तक हम इसे पकाएंगे। बिल्कुल लाइट फ्लेम पर आपने इसको अब फ्राई होने देंगे। बस ये फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर मैंने इसको बनने के लिए रखा हुआ था बिना कवर किए। तो फ्रेंड्स, करेलों की सर्विंग के लिए मैंने ये थोड़ा सा प्याज रेडी करने लगी हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, 1 टमाटर डाल लिया और 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें लाल मिर्च डाल लेनी है, और 1/2 टेबल स्पून आपने सॉल्ट, और 1/2 टेबल स्पून ही आपने डाल लेना है हल्दी, ठीक है। और ये लच्छेदार प्याज आपने काट के इसमें डाल देना है और इसको अब आपने कवर कर देना है। तो ये बन, प्याज भी हमारा रेडी हो चुका है। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे करेले रेडी हो चुके हैं और हमने इसे डिश आउट भी कर लिया है और साथ हमारा प्याज भी रेडी है। बहुत मज़े के बनते हैं ये करेले, आपने ज़रूर बना के देखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।